रियलिटी है कि भाजपा यहाँ पर अपना आधार खो बैठी है, बस दो टुक बात कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा उसे मिलना चाहिए। और बिल्कुल सही सी बात भी, अब तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी आ गई हैं और जायज़ है ये मांग, बिल्कुल जायज़ है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गगन प्रताप सिंह जी, जो कि नेशनल पंथर पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं। आज जम्मू प्रेस क्लब के अंदर जो है ऑल पार्टी मीटिंग का किया गया था, कौन से वो लीडर आए थे, किस मुद्दे पे जो है बातचीत हुई, क्या कश्मीर सेंट्रिक पार्टी भी यहाँ इनने जो है दावत दी थी, इन सब पे जो हम बातचीत करेंगे। सर आज मीटिंग थी अंदर जी, किस मुद्दे को लेकर जो आप मीटिंग कर रहे थे? ये आज एक कंक्लेव रखा था, जॉइंट कंक्लेव रखा हुआ था सैनिक समाज पार्टी और शिवसेना ने जी, और इसमें पैंथर्स पार्टी को भी निमंत्रण दिया था, जिसमें से हरदेव जी भी आए थे, पुरुषोत्तम परिहार जी पार्टी के जैसे थे भी आए थे। और मेन जो इशू था वो यही था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। इसमें सारी जम्मू की पार्टीज थी या कश्मीर की भी कोई पार्टी थी? फिलहाल तो जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये सब थे। ठीक है, आप इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल नहीं बोल सकते, इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जम्मू हिते के थे, जम्मू पर यहाँ से ही। अब क्योंकि होस्ट है, अब जिनको उन्होंने इन्वाइट किया तो उसके साथ जो मैंने देखा वो जम्मू रीजन से सबसे ज्यादा आई थी। और इसमें ये संकल्प लिया गया, एक ज्वाइंट प्लेज ली गई, संकल्प लिया गया कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा उसे मिलना चाहिए। और बिल्कुल सही सी बात भी, अब तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी आ गई हैं और जायज़ है ये मांग, बिल्कुल जायज़ है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जो 200 साल पुरानी रियासत, जिसकी नींव महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1846 में रखी, एकमात्र डोगरा पहाड़ी रियासत, उसको डाउनग्रेड करके आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो ये तो जायज मांग है। गृह मंत्री साहब तो पहले दिन से ही कह रहे हैं 5 अगस्त 2019 की वो स्पीच जो कहते हैं कि हम यहाँ जब हालात सामान्य हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उसके बाद राज्य का दर्जा वापस देते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप मैं वही कह रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं, कवर करते हैं, आप तो जम्मू में भी गए, कश्मीर में गए, पुलिस कहती है जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, होम मिनिस्टर के कितने बार बयान आया कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, एलजी साहब रोज कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद G20 की मीटिंग हो गई, इतनी बड़ी मीटिंग हो गई, फिर उसके बाद अब ब्यूटी पेजेंट भी हो रहा है मैंने सुना कश्मीर के अंदर, सुनिए ना, अब ये है कि आप सब कुछ सामान्य चल रहा है, सारी इलेक्शन हो गई, बिल्कुल असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं होती, ये सवाल आपके माध्यम से मैं सबको पूछना चाहता हूँ जी। कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि उनका यहाँ पर जो ग्राउंड है ना, वो रियलिटी जो ग्राउंड कनेक्ट है खत्म, एक मास बेस खत्म हो गया है, दैट्स व्हाट दे फील। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों को प्रोक्रेस्टिनेट किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पैंथर्स पार्टी का याचिका लगी थी, आपको मालूम होगा, हर जी ने लगाई थी याचिका, जिसमें जिसका फैसला आ गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर 2024 से पहले 30 सितंबर 2024 के पहले इलेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों के ये एक संकल्प हमने लिया है कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। आपका क्या कहना, मतलब इसमें भाजपा अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से तैयारी भी हो चुकी थी पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन, क्यों नहीं हुए, वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर डिले क्यों, जैसे आपका तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं, आपको कंफ्यूजन है, वही कंफ्यूजन हम लोगों को भी है। अच्छा, ये बात सहाफियों की नहीं है, ये बात राजनेताओं की भी है कि इसी कंफ्यूजन में हम कंफ्यूज हैं, वी आर कंफ्यूज इन देयर ओन कंफ्यूजन्स। ओके, अब ये तो सवाल उन्हीं के पूछिए कि भाई क्यों नहीं आप चुनाव करवाते, तैयारी करते फिर नहीं करवाते, तैयारी करते फिर नहीं करवाते, अल्टीमेटली आपको डंडा चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन फिर वो भी कहते हैं कि हम नहीं इस बार 50 से। रियलिटी ये है सर, रियलिटी है कि भाजपा यहाँ पर अपना आधार खो बैठी है, बस दो टुक बात, दे हैव लॉस्ट द बेस, लोग वोट नहीं करेंगे, नहीं आपको लगता करेंगे, जिस तरह के हालात बने जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर, फिर वो क्यों कहते हैं, वो क्यों कहते हैं कि 50 से पार जाएंगे बहुमत के साथ, अपनी डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का हक है, उनको भी रखने दीजिए, करते हैं वो सर दावा दावा लिख के कहते हैं कि लिख लो, बिल्कुल बिल्कुल हमें मालूम है, लेट देम लिव इन द फूल्स पैराडाइज, अगर वो ख्याली पुलाव बनाते हैं तो अच्छी बात है उनके लिए, अच्छी बात है। तो अब अगली मीटिंग कब और कहाँ होगी, कश्मीर में, कश्मीर के नेता भी लोग, अब ये तो होस्ट तो आपको पता है सैनिक समाज पार्टी और शिवसेना वाले थे, उन्होंने मैं इनवाइट किया था, अब जो नेक्स्ट मीटिंग वो भी बताएंगे नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। ठीक है सर, आपके हाथ में जो बैनर है इसमें सर ये 371 इसमें लिखा है राज्य का दर्जा, हम पैंथर्स पार्टी भी ये कहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की जमीनों और नौकरियों को लेकर, जम्मू कश्मीर की जमीनें और जम्मू कश्मीर की नौकरियां यहां के बाशिंदों के। लेकिन सर ये बात 11 दिसंबर 2023 को होनी थी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, बिल्कुल उनने रखनी थी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, आप 370 की बात कर रहे हैं ना जी, 370 वाज अ टेंपरेरी प्रोविजन व्हिच वाज एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट और उसका फैसला अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सबको मान लिया, इस पे तो हमको टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन 371 टाइप ऑफ स्पेशल गारंटीज ये एग्जिस्ट करती हैं आईएनबी के अंदर, ये परमानेंट प्रोविजंस हैं। हमारा ये मानना है
कि जहाँ जम्मू कश्मीर को आप स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी दे दीजिए ताकि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें और नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हों। इसके लिए प्रोविजन किया जा सकता है। इसके तहत आप उसका 371 नाम दीजिए, 372 बोलिए, 371 में भी बहुत सारी क्लॉजेज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए। सेंट्रल सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। किसको? इसको 371। वही तो बात है, वही तो संकल्प नहीं है, मनवाना है। कैसे सर, कैसे? दबाव डाल के, पॉलिटिकल प्रेशर डाल के, जैसे लद्दाखियों ने डाला। लद्दाख को पहले क्या, लद्दाख क्या डिमांड कर रहा था, क्या डिमांड की थी? यूनियन टेरिटरी। अब क्या डिमांड कर रहे हैं? वो कहते हैं हमें स्टेट दीजिए, हमें सिक्स शेड्यूल में डालिए, हमारा लेजिस्लेचर होना चाहिए, हमारा एडिशनल मेंबर पार्लियामेंट की सीट होनी चाहिए। आए दिन होम मिनिस्टर वहां बुला रहे हैं उनको। नहीं क्या आपके प्रेशर डालने से क्या सेंट्रल सरकार मान जाएगी और आपको 370 आपको दे देगी? हमारे प्रेशर नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रेशर से मानेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। लोगों को मोबिलाइज करने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर जम्मू सेंट्रिक सारी पार्टीज को यहाँ बुलाया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना प्रेशर किया उनको और कितनी बातें जो है मानी गई? होता था प्रेशर, हाईजैक हुआ हो जाता था। यही लोग जो सत्ता में हैं आज के, जब अपोजिशन में होते थे तो आपको मालूम है यहाँ क्या क्या होता था। आज इन लोगों के हाथ में सत्ता है, आज लोगों से मुँह चुरा रहे हैं और अब ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अब इसका जवाब तो जनता देगी। अब ये जनता के डोमेन में, इट्स इन द डोमेन ऑफ द पीपल। हमारे हाथों से भी निकल गई ये बात अब। ओके सर, तो जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मनाने की कोशिश करेंगे और 371 जो है वो फिर से जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो लगवाएंगे, यानी कि वो बहाल करवाएंगे। उससे जिस तरह से स्टेटहुड की पावर, स्पेशल स्टेटस, तो बाकी जिस तरह से और स्टेटों में भी है 371 दिया गया, तो इनका ये कहना है कि हम प्रेशर डालेंगे और उनसे डिमांड करेंगे हमें भी जो है 371 जो है वो दिया जाए। अब ये बात होगी 24 में इलेक्शन है, क्या उससे पहले जो है 371 यहाँ दिया जाएगा, लागू किया जाएगा, ये फिलहाल जो है देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।